ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਟਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਗ੍ਰੇਸ ਲੇਬਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 15 ਨੌਜਵਾਨ ਹਥਿਆਰ ਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। मेरा नाम सचिन कुमार है। कल मेरा मोबाइल का काम आ मेरा ब्रह्मपुर रोड से। कल कोई नहीं इदा ही आप अपना काम करते पे ही जो अणपछाते बंदे आए मेरे पछाण च कोई भी नहीं है कौन ही सीधा उतरे तो नाल मेरे एक होर मुंडा है दुकान वाला तो वह सीधे आए तो उन्होंने सीधा ही अपने दुकान दुकान सारी भन के तो मारना चालू करता तो वो सारी दुकान दुकान सारी भन के मेरे नहीं रंजिश कोई नहीं ना कोई नहीं है कोई रंजिश नहीं कोई कोई बात नहीं। हाँ मौके तो पुलिस आई उन्होंने वेख हाँ नहीं लुट खोह नहीं की उन्होंने कोई भी लुट खोह हाँ आने के उन्होंने मारना चालू करता बस नहीं पहचान च नहीं है मेरे हाँ पुलिस कंप्लेंट की घटना बारे दसना है। हाँ जी अच एक दो घटनावां हुई हैं जिदे विच एक बाटा चौंक विखे हुई है उत्थे मनीष नाम दा मुंडा दुकान करता है अपने दर्जी की दुकान करता है उत्थे जाके इन्होंने भन तोड़ की तो एक मुंडे दे उत्थे सट लगी है जी उसते 6:45 की घटना उस तो बाद इत्थे ब्रह्मपुर रोड से एक मोबाइल की दुकान है जिते अमित नाम का मुंडा काम करता है इत्थे इत्थे भी इन्होंने भन तोड़ की आके तो सटा सुटा लगाइया बाकी असी मुकदमे दर्ज कर लेंगे। फायर भी होते हाँ जी इतने सू इनफॉर्मेशन मिली भी इतने फायर हो बाकी आप वेरीफाई कर रहे हैं जो भी है कानूनी कार्रवाई सी गोली लगी तो नहीं किसी नहीं।